जय श्री राधे दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी केबी की वाणी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केबी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, मैं आपको परेशानी से दूर होने के उपाय जरूर बताऊंगी। राशि की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज दिन है मंगलवार, तारीख है 7 अप्रैल और आज चैत्र पूर्णिमा है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन जप, तप और दान से व्यक्ति के समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। इस दिन सत्यनारायण देव की पूजा करने का विधान है। अगर आप भी अपने जीवन में किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो पूर्णिमा के दिन अवश्य दान करें, आपका कल्याण होगा। चलिए अब आज का राशिफल जान लेते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। राशि की शुरुआत मेष राशि से करती हूँ। मेष राशि का कैसा रहेगा आज का दिन, आइए जान लेते हैं। आज के दिन धन लाभ के योग बन रहे हैं। घर का माहौल अशांत रह सकता है, भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का निदान ढूंढने का प्रयास करेंगे, आप मनोबल मजबूत रहेंगे। चलिए जानते हैं दोस्तों वृषभ राशि का हाल कैसा रहेगा। वृषभ राशि के जातकों का आज का दिन, आज के दिन प्रिय मित्रों से फोन पर बात हो सकती है, अपने बौद्धिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। आर्थिक लाभ होने के योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की समस्याओं का निदान होगा, लव लाइफ बहुत ही अच्छी रहने वाली है। चलिए जानते हैं दोस्तों मिथुन राशि का हाल कैसा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन, आज के दिन परिवार के लोगों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। फ्लू संबंधित समस्याओं से आज सावधान रहें, शरीर में थकान की अनुभूति होगी, गुस्से पर नियंत्रण रखें, अजनबी लोगों के संपर्क में आने से बचें। चलिए जानते हैं दोस्तों कर्क राशि का हाल कैसा रहेगा। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन, आज के दिन स्वास्थ्य काफी अच्छा रहने वाला है। सोशल मीडिया में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, धर्म कर्म में अच्छी खासी रुचि लेंगे, लोग आपसे काफी प्रसन्न रहेंगे, आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि होगी, जॉब में आपकी इज्जत बढ़ेगी। चलिए जानते हैं दोस्तों सिंह राशि का हाल कैसा रहेगा। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन, आज के दिन आपकी शारीरिक क्षमता में वृद्धि होगी, आर्थिक रूप से काफी मजबूत रहेंगे, सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है, कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता रहने वाली है, मनोरंजन के कार्यों में रुचि लेंगे, जीवन साथी का व्यवहार काफी अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं दोस्तों कन्या राशि का हाल कैसा रहेगा। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन, आज के दिन घर की समस्याओं में वृद्धि होगी, जॉब में तकलीफ आ सकती है, आपसी संबंधों में विश्वास की कमी रहेगी, अनजाने में हुई गलती भारी पड़ सकती है, अनुभवी लोगों से सलाह लेकर कोई फैसले लें। चलिए दोस्तों जानते हैं तुला राशि का हाल कैसा रहेगा। तुला राशि के जातकों का आज का दिन, आज के दिन धन के लेन देन में सावधानी बरतें, आध्यात्मिक गतिविधियों से जैसे योग, मेडिटेशन आदि में रुचि लेंगे, धैर्य और मेहनत दोनों का अच्छा संयोजन रहेगा, सरकारी कार्यों में जमकर रुचि लेंगे, भोग विलास में वृद्धि होगी। चलिए जानते हैं वृश्चिक राशि का हाल कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन, आज के दिन काफी मजबूती के साथ निर्णय लेंगे, वैवाहिक जीवन में तकलीफ बढ़ सकती है, किसी प्रोजेक्ट में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, प्रोफेशनल लाइफ काफी अच्छी रहेगी। चलिए जानते हैं धनु राशि का हाल कैसा रहेगा। धनु राशि के जातकों का आज का दिन, काफी मजबूती के साथ निर्णय लेंगे, वैवाहिक जीवन में तकलीफ बढ़ सकती है,
किसी प्रोजेक्ट में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, प्रोफेशनल लाइफ काफी अच्छी रहेगी, गुण व्यक्ति के प्रति रुचि जागृत होगी। चलिए जानते हैं मकर राशि का हाल कैसा रहेगा। मकर राशि के जातकों का आज का दिन, आज के दिन किसी प्रियजन से मुलाकात हो सकती है, विदेशों से शुभ समाचार मिलेंगे, अविवाहित लोगों के विवाह की चर्चा हो सकती है, मनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, भाग्य पूरी तरह से आपके साथ रहेगा। चलिए जानते हैं कुंभ राशि का हाल कैसा रहेगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन, आज के दिन सगे संबंधियों से रिलेशन मजबूत होंगे, बीमारियों में वृद्धि होगी, लोग आपके खिलाफ जा सकते हैं, मन में असंतोष की भावना रहेगी, परिवार का माहौल तनावपूर्वक रह सकता है, अधिकारियों का व्यवहार थोड़ा अपमानजनक हो सकता है। चलिए जानते हैं मीन राशि का हाल कैसा रहेगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन, आज के दिन लव लाइफ काफी अच्छी रहने वाली है, व्यापार में आर्थिक लाभ हो सकता है, लव लाइफ को लेकर बेहद संजीदा रहेंगे, अपने कार्यों को लेकर काफी आत्मविश्वास के साथ लवरेज रहेंगे, पुराने गिले शिकवे भूलकर भूलने की कोशिश करें और जिंदगी में आगे बढ़ें। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई है। ग्रह नक्षत्र में बदलाव से राशि फल में भी बदलाव हो सकते हैं। यह राशि फल पूर्वानुमान पर आधारित भविष्यवाणी है। व्यक्ति के कर्म के अनुसार भी राशि फल में परिवर्तन होता रहता है। ऐसे में आप हमेशा कर्मशील बने रहें। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इस तरह की और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी, लाइक कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राधे।